नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक इन्फॉर्मर में। तो भारतीय टीम इस वक्त ओडीआई वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी में जोरों शोरों से जुटी हुई है, लेकिन जो चर्चा अभी भारतीय टीम में हाल फिलहाल बना हुआ है वो है स्प्लिट कैप्टेंसी का। सभी भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी यही मान रहे हैं कि अब भारतीय टीम को भी स्प्लिट कैप्टेंसी अपना लेना चाहिए। भारतीय टीम में इस वक्त हाल फिलहाल में दो कप्तान हैं। पहले एक तो ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट के, वो हैं रोहित शर्मा। और वो ये भी आप देखोगे कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 तक रोहित शर्मा ओडीआई की कैप्टेंसी करते हुए नजर आएंगे। वहीं टेस्ट चैंपियनशिप के अगर फाइनल में भारतीय टीम पहुंचती है तो वहां पे भी वो कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अगर हम T20 कैप्टेंसी की बात करें तो वहाँ पे हार्दिक पांड्या कप्तानी करते हुए नजर आ रहे हैं, और यही माना जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम को हार्दिक पांड्या ही लीड करते हुए देखे जाएंगे। लेकिन कई दिग्गजों का ये भी मानना है कि अभी औपचारिक रूप से पूरी तरीके से, मतलब अभी हार्दिक पांड्या T20 के कप्तान नहीं है। अगर कोई करिश्मा कर देते हैं रोहित शर्मा ODI वर्ल्ड कप में और ODI वर्ल्ड कप को लिफ्ट कर लेते हैं तो फिर T20 वर्ल्ड कप को भी रोहित शर्मा लीड कर सकते हैं। लेकिन जो उनकी उम्र है वो हो गई है 36 साल की, तो इस वजह से अब यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ODI वर्ल्ड कप रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप होगा और इसके बाद भारतीय टीम स्प्लिट कैप्टेंसी के ऊपर जाएगी और तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान चुनेगी। और आकाश चोपड़ा ने भी यही सुझाव दिया है और उन्होंने बताया है कि कौन से उनके हिसाब से दो ऐसे विकल्प होंगे जो भारतीय टीम को रोहित शर्मा के बाद लीड कर सकते हैं। तो अपने इस रिपोर्ट में हम लोग यही देखेंगे, जो भी नाम आकाश चोपड़ा ने सुझाए हैं उन दो नामों को देखा जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे उम्मीदवार हैं जो भारतीय टीम को टेस्ट ODI और T20 में रोहित शर्मा के बाद लीड कर सकते हैं। स्प्लिट कैप्टेंसी की चर्चा इस वक्त भारतीय टीम में तूल पकड़े हुई है और हर दिग्गज खिलाड़ियों का यही मानना है कि भारतीय टीम में भी अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग कप्तान होने चाहिए। रोहित शर्मा की उम्र 36 साल हो गई है और अगर वो इस वर्ल्ड कप में कोई करिश्मा करके नहीं दिखाते हैं तो ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। अगर वो टीम में भी बने रहे तो उनसे कैप्टेंसी जरूर छीन ली जाएगी। ऐसे में ये देखना आवश्यक हो गया है कि रोहित शर्मा के बाद भारतीय टीम को अलग अलग फॉर्मेट में कौन लीड कर सकता है। क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अब हम तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान देखेंगे। अब वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम में भी तीनों फॉर्मेट के लिए अलग अलग कप्तान नियुक्त किए जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तक रोहित टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे, वो नहीं बदल सकता। हार्दिक पांड्या इस वक्त T20 में कप्तान है और मुझे लगता है वो 2024 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की नेतृत्व भी करेंगे। वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा ODI वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम के कप्तान बने रहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर भारतीय कप्तान के भविष्य की बात करें तो ODI क्रिकेट में शुभमन गिल और ऋषभ पंत भारतीय टीम के भविष्य के कप्तान रहेंगे और आगे जाकर ऋषभ पंत भारतीय टीम की टेस्ट की कप्तानी भी कर सकते हैं। तो हमने अपने इस रिपोर्ट में देखा कि क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के अनुसार शुभमन गिल और ऋषभ पंत, इन दोनों में से कोई एक भारतीय टीम को रोहित शर्मा के बाद ODI टीम में लीड कर सकता है। वहीं अगर टेस्ट टीम की बात करें तो वहां पे ऋषभ पंत प्रबल दावेदार नजर आ रहे हैं। आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। हम लोग इसके अगले कड़ी में देखेंगे कि कौन कौन से और विकल्प मौजूद हैं जिनको भारतीय टीम ODI टेस्ट और T20 में कप्तानी के दावेदार के रूप में देख रही है। आप सभी लोग अपना कोविड से ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।